तो मनन प्रकाशन से कर रहे हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 15, कीर्तन लिमिटेड. शैल आई रीड? पढ़ो क्या लिखा है. इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच कितना है सर? 6 लाख रुपया. उसके बाद क्या है? 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 1,50,000. वो आई नहीं प्रणाली क्यों? सर इसका हो गया भाई. हो गया भाई भाई, ठीक है. उसके बाद क्या लिखा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है 1,20,000. जनरल रिजर्व कितना दिया अपने को? 2 लाख. प्रॉफिट एंड लॉस 1,80,000. तो सर ये तीनों के तीनों रिजर्व्स कहाँ आने वाले सर? रिजर्व्स में लिखेंगे, ठीक है. उसके बाद 10% डिबेंचर दिया है सर. 10% डिबेंचर मतलब क्या? लोन फंड. ये किधर जाएगा सर? लोन फंड. उसके बाद टर्म लोन फ्रॉम देना बैंक. सर देना बैंक से हम लोग ने लोन लिया, तो ये भी कौन सा फंड है हमारा? लोन फंड. ओके. करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी कहाँ जाएगा सर? करंट लाइबिलिटी. असेट्स में देखो क्या है हमारे पास. फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट्स है. एंड करंट असेट्स में क्या बोला है? इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस 1,25,000. तो ये हम लोग को बैलेंस शीट दिया है. बैलेंस शीट के नीचे देखो क्या दिया है. कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स असर्ट एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अंडरलाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट केतन लिमिटेड कैन बाय बैक एट 50 per share. अंडरलाइन 50 per share. मतलब सर इस बार बायबैक प्राइस अपने को दिया हुआ है. बायबैक प्राइस कितना दिया है सर? 50 per share. बट अपने को नंबर ऑफ शेयर्स अपने को फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को बायबैक करना है, ठीक है. उन्होंने क्या बोला है? Assuming that the buyback is actually carried out. मतलब बोल रहे हैं बायबैक सच में हो रहा है. पागल लोग, अपने को पता है तभी तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या बोला है? द इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग कितना? 3 लाख. सोल्ड फॉर कितना? 3,20,000. सर इन्वेस्टमेंट का कॉस्टिंग कितना था? 3 लाख. और वो सोल्ड कितने में कर दिया सर? 3,20,000. तो प्रॉफिट हुआ ना सर अपने को? कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000. अरे समझा. तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर? कंडीशन टेबल बनाएंगे, ठीक है. बताओ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया आपने को? 1,80,000. तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिखेंगे सर? 1,80,000. जनरल रिजर्व कितना दिया है? 2 लाख. तो जनरल रिजर्व इज 2 लाख. सर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिया है? 1,20,000. टोटल अब गाइस 5 लाख हो गया. कितना है? 5 लाख. अभी यहाँ देखो सर, इधर सेकेंड, तो पहला वाला कंडीशन के हिसाब से हम लोग कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? तो 5 लाख के इक्विटी शेयर्स हम लोग क्या कर सकते हैं सर? 5 लाख. कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से क्या है? 25% ऑफ ओन फंड. अभी ओन फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व. इक्विटी कितना है देखो बैलेंस शीट में? 6 लाख. प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 1,50,000. और रिजर्व तो अपने को ऊपर से मिल जाएगा. कितना है सर रिजर्व? 5 लाख. टोटल ऑफ 12,50,000. अरे समझा 12,50,000 कैसे है? अब ये 12,50,000 का 25% निकालो ना. 3,12,500. तो सर कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है कि आप मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हो? 3,12,500. कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है? 5 लाख रुपए का बायबैक कर सकते हो. बताओ दोनों में से लिस्ट कौन सा है? तो हम लोग ये वाला लेंगे. पर सर अभी भी हम लोग को 3 और 4 भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लिस्ट ऑफ अबाउट 3 अबाउट 4. मतलब 1, 2, 3 और 4 में से जो भी लिस्ट रहेगा वो लेंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. यहाँ देखो सर, ओन फंड अपने को यहाँ से मिलेगा. कितना है सर? 12 लाख. तो यहाँ लिखेंगे 12,50,000. 50% ऑफ लोन फंड बोला है. क्या बोला है? लोन फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेबेंचर प्लस बैंक लोन. डेबेंचर देखो कितना दिया है और बैंक लोन कितना है? 18 लाख हो गया सर. अरे सर 18 लाख हो गया. ये 18 लाख का कितना परसेंट बोला है? 50% सर. 18 लाख का 50% निकालो कितना? 9 लाख. तो सर 9 लाख हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे. तो 12,50,000 में से 9 लाख प्लेस करो तो कितना आएगा सर? 3 लाख. मतलब कंडीशन नंबर 3 क्या बोलता है सर? कि आप कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो? 3,50,000. अभी क्या फाइंड आउट करना है सर? कंडीशन नंबर 4.
कंडीशन नंबर फोर क्या बोला है सर, 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर इक्विटी शेयर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, मुझे बताओ सर इधर इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना दिया है, 6 लाख रुपया। सर फेस वैल्यू कितना है, 10। तो सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 60,000 शेयर्स। कितने हो गए, 60,000। तो सर यहाँ अपने को नंबर ऑफ शेयर चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा सर, 60,000 का कितना परसेंट बोला है उन्होंने, 25%। इसका 25% निकालो कितना है, 60,000 का 25% 15,000 है, तो ये 15,000। इज दैट क्लियर, 15,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे सर, बायबैक प्राइस, और बायबैक प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मच, 50, तो 50 पर शेयर मल्टीप्लाई करो 7,50,000। मतलब कंडीशन नंबर 4 के हिसाब से मैं कितना बायबैक कर सकता हूं सर, 7,50,000। तो अभी बताओ सर 1 के हिसाब से 5 लाख, 2 के हिसाब से कितना, 3,12,500, 3 के हिसाब से कितना, 3,50,000, और 4 के हिसाब से 7,50,000। तो बताओ सर तीन चारों में से सबसे कम कौन सा है, तो इधर हम लोग कितना लिखेंगे, 3,12,500। याद रखना इधर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक बोला, इसका मतलब ये सब में से मैक्सिमम नहीं लेना है, ये सब में से क्या लेना है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम। इज दैट क्लियर, अभी हम लोग देखेंगे सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करते हैं, तो कैसे आएगा सर मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट कितना है, 3,12,500 डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, बायबैक प्राइस इज 50, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 6,250 शेयर्स। ये समझा, अरे पक्का, अभी सर इतने शेयर्स अपने को क्या करने हैं, बायबैक करने, उसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन, क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन। ध्यान से सुनना सर, टोटल बायबैक प्राइस कितना है सर, 50 है, 50 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक फेस वैल्यू और दूसरा क्या सर, प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है, 10, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा, 40, तो इसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक। इज दैट क्लियर, चलो नॉमिनल वैल्यू कैसे आएगा सर, तो नंबर ऑफ शेयर्स 6,250 इंटू कितना, 10, करो कितना आएगा, 62,500। इज दैट क्लियर, क्या मुझे क्वेश्चन में फ्रेश इशू दिया है, नहीं दिया, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा सर, डैश, मतलब मैं पूरा का पूरा 62,500 मैं पूरा का पूरा कहां से यूज करूंगा सर, प्री रिजर्व, तो प्री रिजर्व में क्या, 62,500। सर प्री रिजर्व में सबसे पहले क्या यूज करने का, जनरल रिजर्व, क्या यूज करने का, जनरल रिजर्व। इज दैट क्लियर, ठीक है, अभी ये प्रीमियम कितना है सर, तो प्रीमियम के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे, 6,250 और प्रीमियम कितना है सर, 40 रुपीज, तो मल्टीप्लाई बाय 40 करो, 2,50,000। अभी सर एक 2,50,000 का अरेंजमेंट हम लोग कहां से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, बताओ सर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है हमारे पास, 1,20,000, इधर लिखेंगे 1,20,000। फिर कहां से यूज करेंगे सर, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में है क्या उतना पैसा अपने पास, देखो ना 1,80,000 है, 1,80,000 में से कितना यूज कर लिया हम लोग ने, सॉरी अच्छा जनरल रिजर्व कितना है, 2,00,000 है, ओके, तो अपन हम लोग ने यूज कितना कर दिया सर, 62,500, तो है क्या हमारे पास उतना पैसा, ओके, तो कितना रिक्वायरमेंट है हम लोग को, 2,50,000 में से 1,20,000 माइनस करो कितना आएगा, 1,30,000, तो 1,30,000 का रिक्वायरमेंट है, अरे इज दैट क्लियर, ठीक है, तो ये हम लोग कहां से यूज करने वाले हैं, जनरल, इज दैट क्लियर। अच्छा फ्लो बताना सर क्या हो रहा है, पहला क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, सेल, सेल के बाद फ्रेश इश्यू है, तो ये वाला एंट्री नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ड्यू, ड्यू के बाद क्या आएगा, पीओबीबी के बाद क्या आएगा, सीआरआर, और सीआरआर के बाद क्या आएगा सर, पेमेंट, अरे इज दैट क्लियर, पक्का, चलो ठीक है, कौन सा एंट्री नहीं आने वाला है सर, जो नहीं आने वाला मैं उसको रब कर दूं, तो चलो रब कर दिया जो नहीं आने वाला, बताओ सर इन्वेस्टमेंट कितने का सेल किया हम लोग ने, अपने को बुक में दिया है कितने का है, 3,20,000, और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था, 3,00,000, तो बताओ सर इन्वेस्टमेंट हुआ कितने का, प्रॉफिट एंड लॉस कितना, प्रॉफिट हुआ सर 20,000,
नरेशन तो आप लोग लिख पाओगे ना? अरे पक्का? ठीक है, बताओ सर ड्यू का एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल कहां से मिलेगा सर? ऊपर से। कितना? 62,500। प्रीमियम ऑन बायबैक कहां से मिलेगा सर? यहां से। कितना है? 2,50,000। टोटल कितना हो गया सर? दोनों को ऐड करेंगे तो यही अमाउंट आएगा। कितना? 3,12,000। ये एंट्री समझा सबको? ये एंट्री समझा सबको? चलो ठीक है। प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक कहां से यूज कर रहे हैं हम लोग? सिक्योरिटीज प्रीमियम और कौन सा रिजर्व सर? प्री रिजर्व। बट इस बार प्री रिजर्व का नाम पता है अपने को? क्या है सर प्री रिजर्व का नाम? क्या है? जनरल रिजर्व। क्या है सर प्री रिजर्व का नाम? जनरल रिजर्व। बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना लिया हम लोग ने? 1,20,000। जनरल रिजर्व से कितना लिया? 1,30,000। अरे ना, तो बचा कितना सर? पीओबीबी, सॉरी टोटल कितना हुआ? पीओबी 2,50,000। ये एंट्री समझा? सीआरआर क्रिएट कैसे करेंगे? फ्री रिजर्व। सर फ्री रिजर्व किस पे है? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू सीआरआर। जनरल रिजर्व कितना आएगा? 62,500। और एंडिंग में क्या होगा सर? पेमेंट। पेमेंट का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना? 3,12,500 टू बैंक। 3,12,500। सिंपल है, पक्का एग्जाम में आएगा 15-20 मार्क्स के। और सर यहाँ बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा? सर बैलेंस शीट में आपको अगर बायबैक का पूरा क्वेश्चन आया, कम चांसेस है पूरा बैलेंस शीट आया, बैलेंस शीट में क्या आएगा तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स आएगा। क्या आएगा सर? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। तो हम लोग यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में दो चीज बनाते हैं जो इफेक्ट हो रही है। कौन सा? एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व्स। इज दैट क्लियर? तो चलो नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब सर पूरा बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है क्या बेटा? क्वेश्चन में आपको पूरा बैलेंस शीट 90% केसेस में तो नहीं आएगा, ठीक है? 90% केसेस में क्या आएगा? कंडीशन टेबल, इक्वेशन तो हम लोग खुद बनाते हैं, और क्या आएगा? जर्नल एंट्री, और अपने को बोलेगा नोट्स बनाओ। किसका नोट्स पता है? एक शेयर कैपिटल का और दूसरा किसका? बनाओ बनाओ, ये रब करूं, ठीक है? तो देखो मैं बैलेंस शीट पूरा रब कर देता हूं, बट हम लोग को नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। कितना? दो। पहला कौन सा? अरे फर्स्ट कौन सा? शेयर कैपिटल। दूसरा कौन सा बनेगा? रिजर्व्स। इधर लिखने का नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर वन। वन कौन सा है सर? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सबसे पहले चालू होता है कहां से सर? ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में दिया है? तो नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क करने का, और क्या करने का? इसको डबल अंडरलाइन। उसके बाद क्या करने का? इधर लिखने का इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड। क्या लिखेंगे? इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड। फिर हम लोग यहां डिटेल लिखेंगे। पहले बताओ सर मेरे पास क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है। अरे है ना, मुझे बताओ सर पहले इक्विटी शेयर कैपिटल थे कितने? 60,000। कितने थे? 60,000। बताओ सर मैंने कितने बायबैक कर लिए? अरे बायबैक कितने किए? 6,250 माइनस कर दो तो बचे कितने सर? कितना? अरे माइनस करके बताओ। 50,000। अरे सब लोग को समझ रहे हैं? देखो पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने थे? 60,000 में से बायबैक कितने किए? 6,250। तो अभी बचे कितने? 53,750। तो इधर क्या लिखने का? 53,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस, ऑफ रुपीस कितना ईच है? 10 ईच फुल्ली पेड अप। ये ब्रैकेट आप लोग को समझाने के लिए लिखा, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर? 5,37,500। क्या प्रेफरेंस शेयर्स में कोई फर्क हुआ है? नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे ही रहेंगे। कितने? 1,500 प्रेफरेंस शेयर्स
ऑफ रुपीज कितना है? ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड अप कितना आएगा? 1,50,000. ऐड करो कितना आता है? 6,87,500. शेयर कैपिटल समझा पक्का? अभी हम लोग सेकेंड नोट किसका बनाने वाले हैं? रिजर्व्स, मतलब रिजर्व्स मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बताओ सर, हमारे पास जो जो रिजर्व है वो लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा है सर? प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट चेंज हुआ है, अगर आप लोग को दिखेगा तो 1,80,000 पहले से था, प्लस देखो यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट करके मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000. तो 20,000 क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस चेंज हो गया, कितना हो गया सर? 2,00,000. अरे समझा? जनरल रिजर्व की अगर मैं बात करूं, किसकी बात? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व पहले कितना था सर? 2,00,000 था, अरे ना, उसमें से मैंने कितना यूटिलाइज कर लिया? 62,500. वापिस से मैंने कितना यूटिलाइज किया? 1,30,000. तो माइनस कर देगा कितना आएगा? तो जनरल रिजर्व में सिर्फ 57,500. ये समझा? बताओ सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था मेरे पास? इधर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था? 1,20,000. बट सर 1,20,000 पूरा यूज हो गया, समझते हैं? पूरा यूज हो गया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कुछ है क्या मेरे पास? नहीं, बट एक नया रिजर्व क्रिएट हुआ है, कौन सा? CRR, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो एक नया रिजर्व आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्या बोलेंगे इसको? CRR। कितना आया सर? 62,500. टोटल करो इसको, कितना रहे टोटल? कितना? 2,70,000. अरे इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ऐसा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा? 20 मार्क्स का। सिर्फ अगर 10 मार्क्स के लिए आया तो सिर्फ कंडीशन टेबल आएगा, सिर्फ 10 मार्क्स के लिए आएगा ना, तो अपने को कितने नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में बोले होंगे? अगर क्वेश्चन में दे दिए तो कंडीशन टेबल बनाने की जरूरत नहीं। तो सिर्फ 10 मार्क्स के लिए आएगा तो क्या आएगा सर आपको? जर्नल एंट्री और ये दो नोट्स, सिर्फ 10 मार्क्स के लिए। बट अगर 20 मार्क्स के लिए पूछा तो कंडीशन टेबल भी आएगा, जर्नल एंट्री भी आएगा और नोट्स टू अकाउंट्स। बताओ सर, 10 मार्क्स का पूछना चाहिए या 20 मार्क्स का? 20 मार्क्स। अरे समझ रहे क्यों? बिकॉज कंडीशन टेबल भी सिंपल है, जर्नल एंट्री भी सिंपल है और ये भी सिंपल। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा।